प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की पवित्र भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायबरेली ग्राम बिनोहर बिनोहरा की पावन धरा पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। मुदमंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, हमारे मुख्य यजमान आयोजक के रूप में श्री फतेह बहादुर सिंह विराजमान हैं। जिनकी दो बेटियां श्रीमती शिवप्रभा और श्रीमती ललिता देवी सिंह, उनके मन में इच्छा हुई कि अपने मायके में सत्संग गुरु जी का करूँ। इस भाव को पूर्ण करने के लिए माता पिता की वृद्धावस्था में उनके हाथों से ये सत्संग ज्ञान यज्ञ सफल बनाने के लिए उन्होंने सत्संग की रचना बिनोहरा गांव में आयोजित किया, जिसमें वे चार बहनें हैं। बड़ी बहन श्रीमती आशा देवी सिंह और छोटी है श्रीमती सरिता सिंह। चारों बहनें उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि उनके जो पिताजी हैं उनको एक माला हमारे संत जी पहना दें, साधक जी भगवान दास, और माला पहनकर कथा सुने। बैठने में उनको थोड़ा तकलीफ है, इसलिए कुर्सी की व्यवस्था की गई है, बाकी मन उनका नीचे ही बैठा है। बैठो, बिराजो, बैठ जाओ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मनुष्य बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक शांति की तलाश करता है, और ज्यों ज्यों इसकी उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों इसकी अशांति बढ़ती जाती है और शांति मिलती नहीं। धनवान भी अशांत है, निर्धन भी अशांत है, जिनके पास सब कुछ है लेकिन उनके पास भी शांति नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है तो भी शांति नहीं है। गरीब भी अशांति में जी रहा है और अमीर भी अशांति में जी रहा है। तो कृष्ण से पूछा गया कि शांति कैसे मिल सकती है, और शांति जिसको मिलती है उसकी पहचान क्या है। ऐसे तो बहुत से लोग
सामान्य भाषा में कहते हैं कि सब शांति है। जो ये बात कहता सब शांति है तो समझो शांति है नहीं। शांति कुछ लोग इज्जत बचाने के लिए भी कह देते हैं सब ठीक है, परफेक्टली ऑल राइट, सब आनंद है, ठीक है। लेकिन ये शांति कैसे मिलेगी? श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा शैतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्धवा पराम शांति मचरिड अधिगच्छति। विहाय कामान्यः सर्वान्न पुमान शरत निस्रह निर्ममो निरहंकारः सह शांतिम अधिगच्छति। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम्। यम हीन व्यथन्ति एतैः पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुःख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवत दुःख। ये मैं आपके बीच में श्री मद भगवत गीता के श्लोक बोल रहा हूं और इन श्लोकों में से ही आपको मैं शांति का उपाय बताऊंगा। थोड़ी देर के बाद इसका उत्तर देता हूं। एक दूसरा प्रश्न और आपके बीच में रखता हूं। संत कबीर से पूछा गया, इस संसार में सुख कितना है और दुख कितना है? और मनुष्य के जीवन में दुख है तो दुख दूर कैसे होगा, उसका उपाय क्या है? बड़ा सहज प्रश्न पूछा। तो कबीर साहब कहते हैं, अल्प सुख दुख आदि वंता, मन भुलान मैगर मई मनता, करो विचार जो सब दुख जाई, परिहर झूठा कीर सगाई। आज दो ही प्रश्न आपके बीच में रखूंगा, समय को देखते हुए ध्यान को एकाग्र कीजिए, मोबाइल से बात न कीजिए, चेहरे पर मुस्कान बना लीजिए और जरूरत पड़े तो ताली भी बजा दीजिए। हंसी की बात आए तो हंस भी दीजिए। श्रद्धवा लभते ज्ञानम, सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं, जो लोग शांति चाहते हैं उनके पास में नंबर एक श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। श्रद्धा विहीन भक्ति शांति नहीं प्रदान करती है। आपके पास में भक्ति हो और भक्ति में श्रद्धा हो, श्रद्धा भक्ति की जान है। जैसे शकर में मिठास न हो तो उसे शकर कौन कहेगा, ऐसे भक्ति में श्रद्धा ना हो तो भक्ति व्यर्थ हो। तो श्रद्धा लभते ज्ञानम, जिसके पास में श्रद्धा है, अंधश्रद्धा नहीं विवेकपूर्ण श्रद्धा। एक तो होती अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा अंधेरे में भटकाती है, विवेक पूर्ण श्रद्धा आपको शांति की मंजिल पर पहुंचाती है। श्रद्धा लभते ज्ञानम, तो श्रद्धा से लाभ क्या हो? आपको ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सी चीज का ज्ञान होगा? ज्ञान दो प्रकार का होता है, भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान जो आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी डीलिट करते हो, ये भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान कितना ही प्राप्त हो जाए लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती।
पढ़े लिखा क्या होए समझ मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो। संत कबीर कहते हैं पढ़ने लिखने से क्या होगा, मन तो पागल है बौरा है। और फिर साहब कहते हैं अंत बिलैया खाए, अंत में माया रूपी बिल्ली ही पढ़े लिखे लोगों को भी दबोच लेती है। अंत बिलैया खाए समझ मन बौरा हो, हे पगले मन इस बात को समझो। इसलिए पढ़े लिखे लोग और ज्यादा भटक जाते हैं, अनपढ़ों से ज्यादा पढ़े लिखे भटक जाते हैं। फिजिकल नॉलेज तो है परंतु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। और जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मैं कौन हूं। पूरी जिंदगी मनुष्य की 100 साल की निकल जाती है, उसे यही ज्ञान नहीं होता मैं कौन हूं। आपसे अगर पूछा जाए तुम कौन हो, तो आप यही कहते हो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बीमार हूं, यही सब बताते हो। लेकिन अध्यात्म कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर को संचालित करने वाली अमर आत्मा। और ये आत्मा न तो स्त्री है न पुरुष है। इसलिए जो अपनी पत्नी को बहुत सताते हैं उनको अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलता है और वो स्वयं पत्नी बनते हैं, फिर वो सताए जाते हैं। इसलिए पत्नी को कभी सताना पड़ता। और जो स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा परेशान करती हैं, बिल्कुल रिमांड पर रखती है, हवालात में बंद रखती, हवालात सुबह शाम घूसा लात, खाओ दाल भात, मत करो कोई बात, तो वे स्त्रियां भी मरने के बाद उनको पुरुष का शरीर मिलता है और फिर वह पति बनकर के सताई जाती है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस सो लोह भस्म हो जाए। मरी खाल की सांस से जो हवा धौंकनी से कोयला भट्टी जलाई जाती है, उस कोयला भट्टी में जो आग जलती है, तो मरी खाल की धौंकनी से, पुराने जमाने की बात है, अब तो लोग पंखा लगा देते हैं, उसकी हवा से कोयला धधक कर जलता है, आग जलती है। लेकिन जिस समय कबीर ने कहा है उस समय की बात है कि मरी खाल की सांस से लोह भस्म हो जाए, वो मरी खाल में हवा भरती है और हवा वो कोयले की आग पर फेंकता है और कोयले की आग इतना जोर से धधकती है कि इसमें लोहा डाल दो तो भी गल जाता है, भस्म हो जाता है। इसलिए दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, उसकी जो हाय है उसका दुख है। दुख देने वाले लोग कभी सुखी नहीं हो सकते हैं, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग कभी शांति नहीं पाते हैं, दूसरों का रास्ता बंद करने वाले लोगों का परलोक में रास्ता बंद हो जाता है, दूसरों का बिस्तर छीनने वाले लोग डबल बेड पर भी विश्राम नहीं पाते हैं, और दूसरों की रोटी छीनने वाले लोगों की प्रकृति भूख छीन लेती है, और दूसरों की चैन खींचने वालों की जिंदगी की चैन खींच जाती है। इसलिए किसी की चैन भी नहीं खींचना चाहिए। गले में जो माताएं लोग चैन पहनती हैं, सोने की चैन, कितनी स्त्रियों को घर में चैन की मांग करती हैं और चैन न मिले तो बहुत बेचैन हो जाती है। पर याद रखना गले में चैन हो न हो, पर आपके हृदय में चैन होना चाहिए, शांति होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। ये बाहर की वस्तुएं और बाहर के सामान
मंदोदरी के पास में कितना सोना था। आप सोने का हार बनाओगे भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक तोला, दो तोला, दस तोला, सौ ग्राम, दो सौ ग्राम, आधा किलो से ज़्यादा तो कोई हार पहनता नहीं, और पहन ले तो उसकी गर्दन भी बहुत ज़्यादा वजन हो जाए। मंदोदरी का घर ही सोने का था, लंका सोने की थी, लेकिन मंदोदरी को एक क्षण शांति नहीं मिलती थी क्योंकि उसका पति ठीक नहीं था। और आपको ठीक पति मिले, अच्छा पति मिले, इसके लिए बहुत पुण्य कमाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, गुरु का दर्शन करना चाहिए और प्रवचन सुनना चाहिए, दूसरों को भी प्रवचन सुनवाना चाहिए। इससे आपको अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन मिलेंगे जिससे आपके जीवन में शांति रहेगी। ये जो कुछ मिला है सब पुण्य का प्रभाव है, अगर कुछ गलत मिला है तो पाप का प्रभाव है, और जो और मिलेगा वो भी पुण्य और पाप से ही मिलेगा। इसलिए जीवन में पुण्य के कार्य करना चाहिए। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। यहां नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, जो तुम करते हो उसका फल देर सवेर जरूर आएगा। कबीर, कमाई अपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। धीरू भाई अंबानी बचपन में गांव के मंदिर पर चना मुरमुरा बेचते थे, जिसको मुरमुरा उसे कहते, जिसको तुम लैया कहते, धान की लैया मुरमुरा, किसी किसी प्रदेश में उसको मरमरा कहते, अपने यहाँ उसको लैया कहते। वो बेचने जाते थे भुना चना और लैया, बड़ी परात में रख करके थोड़ा नमक भी ले जाते थे। शाम को एक रुपया मंदिर में दान करते थे, मंदिर के सामने दुकान लगाते थे। मंदिर का पुजारी उनकी गरीबी को देखकर कहता था, रोज दान मत कर। तो उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा है एक रुपया रोज दान दे देना, भगवान के मंदिर में कुछ नहीं तो उससे कुछ प्रसाद आ जाएगा, कुछ अगरबत्ती ले आएंगे। वो एक रुपया का डेली का दान, धीरू भाई अंबानी का इतना पुण्य इकट्ठा हुआ। थोड़ा उम्र बढ़ने पर 300 रुपये महीने की नौकरी पेट्रोल पंप पर किया, और हल्दी मिर्चा धनिया का पाउडर बनाकर बेचना शुरू किया। पॉलिएस्टर कपड़ा भारत देश में विदेश से लाने वाले प्रथम व्यक्ति धीरू भाई अंबानी थे, और आज उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया है कि पूरे भारत देश में नहीं वर्ल्ड में उनका नाम जाना जाता है। याद रखना, ये पुण्य का ही फल है। जब गुजरात में भूकंप आया 26 जनवरी को गत वर्षों में, एक गांव को उनके बेटे मुकेश अंबानी ने गोद ले लिया, उस गांव के 12,000 मकान बनाकर, लाइट लगाकर, दरवाजा खिड़की लगाकर, और 12,000 परिवारों को चाबी सौंप दी कि ये मकान मैंने गोद लिया है, ये गांव पूरा मेरे आधार में है, मैं सबका इंतजाम करूंगा। दूसरों का इंतजाम करने वाले व्यक्ति का इंतजाम ये प्रकृति कुदरत स्वयं करने लग जाती है, दूसरों का ख्याल करने वालों का ख्याल ये कुदरत स्वयं करती है, और दूसरों की फिक्र करने वालों की फिक्र छूट जाती है, उनकी फिक्र तो व्यवस्था प्रकृति करती है। याद रखना, दूसरों का ख्याल करोगे बहुत जल्दी विकास करोगे।